स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। और ये फाइनेंशियल अवेयरनेस का पार्ट 7 है। इसके पहले के जो भी पार्ट है मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप जाकर के देख सकते हो। इसके पहले मैंने आपको बताया था कि कोर एनबीएफसी कंपनियां क्या होती है, ये मैंने आपको बताया था। एनबीएफसी कंपनियां क्या होती है, किस एक्ट के तहत काम करती है और कौन इसे रेगुलेट करता है, किन एनबीएफसी कंपनियों को किस किस तरह की छूट मिलती है और ये क्या काम करती है, आप उसको जाकर के देखेंगे तो ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। पहली बात है कि मैं भी आपके स्टूडेंट हूँ, तो मेरा जो मकसद है हमेशा नॉलेज शेयर करना है, और इसलिए आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं जिससे मैं आपके साथ नॉलेज शेयर कर पाऊँ और आप तक पहुंच पाऊँ। ठीक है, तो मैंने उस वीडियो में आपको बताया था कि कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी क्या होती है और एक चीट फंड क्या होती है, आपको बताने वाला था। तो हम बात करते हैं, ये एक एनबीएफसी है और एनबीएफसी में इसको जो एनबीएफसी की असेट साइज से आपको समझना होगा, दो तरह के असेट साइज होते हैं, तो नेट और एक टोटल असेट साइज। नेट असेट साइज और टोटल असेट साइज में अंतर क्या होता है, मान लो एक कंपनी है, उसकी पूरी कीमत मिला उसकी मतलब जैसे उसकी बिल्डिंग की कीमत मिला के उसके अंदर जो कुर्सी टेबल है या उसने मार्केट में जो पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, टोटल उसकी पूंजी मिलाकर उसकी 1,000 रुपये पूंजी है। ठीक है, अब इसमें से हम कभी उसके टेबल कुर्सी या फिर पंखे जो भी एसी वैसी लगाए और हम सैलरी जो एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉय की है उन पैसों को हम घटा दे, मान लो वो 200 रुपये है ना, तो टोटल असेट साइज 1,000 रुपये हो जाएगा, नेट असेट साइज हो जाएगा 800 रुपये। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा कि टोटल क्या मतलब होता है। नेट मतलब टोटल जो इन्वेस्ट मार्केट में पैसा किया गया, इन्वेस्ट किया गया है, तो वही कंपनी जो जिसका टोटल असेट साइज 100 करोड़ रुपए से ऊपर है वो कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी कहलाती है, जो एनबीएफसी का साइज 100 करोड़ रुपए से ऊपर है। अगली बात है कि ये कंपनी हमेशा मतलब मैक्सिमम शेयर मार्केट और सिक्योरिटी मार्केट में मतलब इन्वेस्टमेंट पैसा करती है कुछ कंडीशनों के साथ। अभी हाल ही में आरबीआई ने कोर इन्वेस्टमेंट कंपनियों के लिए भी कुछ मतलब अनाउंसमेंट किया 3 या 4 दिन पहले कि वो उनको पैसा मतलब ज्यादा मतलब देना चाहती है, कुछ रेगुलेशन मतलब इजी करके जिससे वो हाउसिंग क्षेत्र में पैसा ज्यादा इन्वेस्ट कर पाए और देश में जो स्लो डाउन आया है मतलब इकोनॉमिक स्लो डाउन आया है वो वापिस से गति पकड़े। तो ये सिक्योरिटी मार्केट में भी शेयर मार्केट में भी ये सर्टेन कंडीशन के साथ अपना बिजनेस कर सकती है। अब अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, ये क्वेश्चन आया भी हुआ था कि अगस्त 2010 में आरबीआई ने इंट्रोड्यूस किया था, इसका नया फ्रेमवर्क इंट्रोड्यूस किया था, नए रूल और रूल रेगुलेशन की गाइडलाइन बनाई थी। अब क्या गाइडलाइन बनाई थी, गाइडलाइन ये बनाई थी कि कोई भी एनबीएफसी और एनबीएफसी कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी है उसके टोटल नेट असेट्स में से वो 90% उसका जो पैसा है उसको इन मार्केट में इन्वेस्ट करके रखना होगा। ऐसा नहीं कि अपने पास जमा करके रख सकती है, क्योंकि आपको पता भी होगा कि एनबीएफसी कंपनी क्या होती है। एनबीएफसी कंपनी वो कंपनी होती है जो लोगों से किसी स्कीम के तहत पैसा लेती है, तो किसी स्कीम के तहत पैसा लेती है और एनबीएफसी में एक चीज तो होती ही नहीं है कि वो लोगों का पैसा डिपॉजिट या सेविंग अकाउंट में रख पाए, तो वो लोगों का पैसा अपने पास सेव नहीं कर सकती है। इस कारण वो 90% पैसा उसको मार्केट में इन्वेस्ट करके रखना ही पड़ता है। ठीक है, ये काय में कर सकती है, इक्विटी शेयर, प्रिफरेंस शेयर, या आने वाले समय जो वीडियो बनाऊंगा उसमें जरूर बताऊंगा, एक मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट में मैं पूरा कवर करूंगा एक सप्ताह में, उसके बाद कोशिश करूंगा कवर करने की। उसके बाद आपको ये बता दूं कि जो कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी है जिसकी साइज 100 करोड़ से नीचे होती है, ठीक है, वो इस रेगुलेशन से थोड़ी उसको छूट मिलती है। मतलब ये लिखा हुआ है सीएससी हैविंग द असेट साइज बिलो 100 करोड़, ये रजिस्ट्रेशन रेगुलेशन मतलब आरबीआई के रेगुलेशन से तो कुछ छूट मिल सकती है। पर ये कंपनी जिसकी 100 करोड़ उसके असेट साइज नहीं है वो इंडिया के बाहर पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकती। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन और बन सकता है। तो आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो समझ में आया होगा और आप सजेशन दे सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो तक, और मेरे जो मैं सुबह 5 बजे वॉकेप 5 फ्रेजर पर और 2 एडम फ्रेजर्स भी लेकर आता हूँ, आप उनको भी देखिए। धन्यवाद, जय हिंद।